हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट टू हम लोग करेंगे क्लास एलेवेंथ में। टू डिटरमिन द इंटरनल डायमीटर डेप्थ एंड वॉल्यूम ऑफ कैलोरीमीटर लिखा है, लेकिन हम लोग इस बीकर का करेंगे। इस बीकर का इंटरनल डेप्थ और डायमीटर और वॉल्यूम फाइंड करेंगे यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स। ये हम लोग का वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी सहायता से मेजरमेंट करेंगे। कॉपी में इस तरह से ये वर्नियर का फिगर बना लेते हैं। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है इसमें, प्रोसीजर फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो आर रेडियस हो जाएगा और एच डेप्थ हो जाएगा बीकर का। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर लिखिएगा और ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनेंगे। तो इंटरनल डायमीटर का टेबल, इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर, मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर का रीडिंग और वैल्यू। तो मेन स्केल का ये है इंटरनल डायमीटर, तो जैसे ये बीकर है, ये लोअर जा है अंदर से ऐसे पकड़ता है, और ये जो है अपर जा ये इधर से ये पकड़ता है। तो इंटरनल डायमीटर के लिए इसको ऐसे रख देंगे ये, और इसको ऐसे स्लाइड करेंगे। ये बताए थे ना, ऐसे दबा करके इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐसे करके ये ऐसे पकड़ लिए इसको, ठीक है, पकड़ में आ गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर ऐसे ये बाहर निकाल देंगे। इसके बाद से इसका रीडिंग हमको पढ़ना है। तो इसके रीडिंग में मेन स्केल देखेंगे कितना है, यहाँ की रीडिंग देखनी है। ये वर्नियर के पहले कितना है, तो ये वर्नियर का जीरो है। अब इस जीरो से बाएं तरफ लेफ्ट में कितना है, इसको जीरो बोलते हैं वर्नियर का। इससे लेफ्ट में अगर ठीक से देखें तो सिक्स के बाद 1-2 मिलीमीटर हुआ है और ये 3 नहीं हुआ है। 3 से ये जीरो वर्नियर का बाएं है, तो मेन स्केल होगा 6.2। अब वर्नियर देखते हैं कौन सा कॉन्साइड हुआ है, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 9th कॉन्साइड है, 9वां कॉन्साइड है। ये देखिए, ये वाला अपने ऊपर वाले से कॉन्साइड है, ये 9th, तो वर्नियर का 9 लिखेंगे, तो 6.2 और 9, तो यहाँ पर भर लेंगे। मेन स्केल रीडिंग 6.2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वर्नियर कॉन्साइडिंग 9। अब ऑब्जर्व डायमीटर कितना होगा, ए प्लस एक्स इंटू वर्नियर कांस्टेंट। ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ डिवीज़न है, और वर्नियर कांस्टेंट कितना होता है, वर्नियर कांस्टेंट भी सी होता है सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर। तो जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रीडिंग बनाएगा 0.09, और इसको ऐड कर देंगे, इस सेंटीमीटर में इतना डायमीटर हो गया। यही काम 3-4 बार कर लेंगे, फिर एक बार ट्राई करते हैं। ये बीकर है, तो इस बीकर में थोड़ा सा और किसी साइड में ले जा करके, और ये अंदर इसको ऐसे टाइट कर दिया इसमें, फिर पकड़ लिया इसने। अब देखिए, ये जो दिया है इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि इतना पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, परंतु इसको पकड़ लिया यहाँ पर, ये पकड़ में आ गया। तो अब फिर इसका रीडिंग पढ़ लेंगे। ये इस बार जो है 6.2 आ गया है, एग्जैक्टली 2 आ गया, 6.2, और या कह सकते हैं 6.2 के बाद ये दूसरा सेकेंड डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है या पहला डिवीज़न। तो मैं 6.2
अगर 6.2 लिखेंगे ना तो बर्नियर में जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही लग रहा है ऊपर वाले से कॉइंसाइड है, और नहीं तो ये टू ऊपर से कॉइंसाइड है। तो मैं 6.2 थोड़ा सा राइट साइड में है तो नोट करता हूँ, 6.2 और ये सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 0.02 बनेगी, तो 6.22। पुनः इसी को रिपीट करेंगे किसी अन्य एंगल पर, इस एंगल पर देखते हैं, ये पकड़ लिया इसको, और इसके बाद अब इसको निकाल दिए, फिर रीडिंग देखते हैं। हाँ, 6.2 के बाद कॉइंसाइडिंग है, कहाँ पर लग रहा है, ये छठवां सिक्स्थ या सेवेंथ है, कोई एक लिख देंगे, 6.26, तो वैल्यू बनेगा 6.26 बना देगा। और ऐसे तीन रीडिंग ले लिए, और अब क्या करेंगे कि अब ज़्यादा नहीं लेंगे, इन्हीं तीन का यहाँ पर ऐड करके और मीन कर देंगे, मीन वैल्यू, तो इन तीनों को ऐड करके और डिवाइड करना है। अब ये देखिए यहाँ पर आया, जब कैलकुलेशन करेंगे तो मीन वैल्यू 1, 2, 3 का तीनों को ऐड कर दिए, 18 पॉइंट इतना आया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.26, मीन ऑब्जर्व डायमीटर 6.26 सेंटीमीटर हो गया। मीन करेक्टेड डायमीटर कितना होगा, तो इसमें जीरो एरर का करेक्शन करते हैं, देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में कितना जीरो एरर है। जैसे मान लीजिए ये हमने टच करा दिया, दोनों जा को टच करा दिया, हाँ देखिए, तो इस इंस्ट्रूमेंट में देखिए दोनों का जीरो एकदम मैच किया हुआ है, ये दोनों मैच किया एकदम, बर्नियर और ऊपर का जीरो, तो इसमें कोई एरर ही नहीं है। जब एरर नहीं है तो जीरो का करेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये वैल्यू 6.26 ही रह जाएगी। और रेडियस अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, 3 जा 6, 3.13 आएगा। अब अगला ज़रूरत पड़ेगी डेप्थ की, तो टेबल फॉर डेप्थ इसको हम लोगों को करना है। तो ये है बीकर, अब इस बीकर का डेप्थ नापने के लिए देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, तो जब इसको ऐसे पीछे खींचेंगे ना, इसको ऐसे दबा के पीछे खींचेंगे, तो जब इसके पीछे एक इसके ये एक पत्ती सी स्ट्रिप है, ये बाहर निकलने लगेगी, देखिए देखिए बाहर निकल रही है ये ज़रूरत के हिसाब से। तो अब क्या होगा कि हम लोग इसको देखिए बाहर गया है और अंदर ले आएंगे इसको दबा करके, तो वो स्ट्रिप भी अंदर चली जाएगी। तो अब इस बीकर में इसको ना ऐसे रख देंगे, ये ऐसे इस पर रख देंगे ये चीज़, और इसको डेप्थ के लिए स्ट्रिप को इसके अंदर उतारते चले जाएंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, वो जाके बॉटम में टच कर दिया है, ठीक है, बॉटम में टच कर दिया, यानी वो उसके डेप्थ पर पहुंच गया है ये। तो अब ये इसका हम लोगों को ये रीडिंग नोट कर लेना है, ये कितना है इसका डेप्थ का रीडिंग यहाँ से, हाँ देखिए रीडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो 9.4 मेन स्केल आया 9.4, और कॉइंसाइडिंग अगर आप देखेंगे तो तीसरा है, तो 9.43 बनेगा। तो ये 9.43 ये 3 में वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये काम भी तीन बार करेंगे, अलग अलग जगहों पर ऐसे रख के, ऐसे तीन जगहों पर इसको कर लेंगे।
अब देखते हैं कितना आया है। ये कितना आया, अब ये 9.4 एग्जैक्टली 9.4 आ गया, या देखेंगे 9.3 है और नौवां कॉइंसाइडिंग है। 9.3 है तो नौवां है एक्चुअली। इससे ना लेफ्ट में कितना है, ये इसके लेफ्ट में 9.3 ही है, चौथा अभी थोड़ा सा ऊपर राइट साइड में है तो 9.3। अब बर्नियर में इधर देखिए आठवां नौवां है तो 9.39 लिख देंगे, 9.3 नौवां है तो 9.39 हो गया। यही काम एक बार और करते हैं। टच कर रहा है, अब देखिए ये वैल्यू हमको लग रहा है कि 9.3 है और कॉइंसाइडिंग आप देखिए वीडियो में तो चौथा है या पांचवा है, चार है, 9.34। अब इसके लिए भी वही मीन निकालेंगे, तो इस प्रकार से अब इसका फिर मीन निकालेंगे, मीन डेप्थ तीनों को ऐड करके तीन से डिवाइड करेंगे तो 9.35 मीन ऑब्जर्व डेप्थ, 9.35 करेक्टेड, जीरो एरर है नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो वैल्यू 9.35 ही रहेगा। कैलकुलेशन पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे, रिजल्ट इंटरनल वॉल्यूम आप कल यहाँ पर लिखेंगे बीकर, इतना लिख देंगे और इसके बाद से प्रिकॉशंस दो तीन लिख देंगे। धन्यवाद।